अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फूड विला और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यमी किस्म का बिग मैक। इसकी जो सॉस है उसकी रेसिपी मैं अलग से वीडियो में दे चुकी हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। बिग मैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 किलो कीमा, ये बीफ का कीमा है, और इसमें से आपने इस तरह से एक बॉल ले लेना है। और मैंने जो काउंटर है उसको प्लास्टिक रैप से कवर कर लिया अच्छी तरह से, और इस तरह से आपने इसको हाथ से हिला लेना पहले, और फिर आप इसके ऊपर एक और प्लास्टिक रैप रखेंगे और इसको बेलन की मदद से बिल्कुल थिन जो है वो आप इसको बेल लेंगे। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से बेल लिया। अब मैं इसके ऊपर एक प्याली रखूंगी और साइड पे जितना भी कीमा है वो मैं निकाल दूंगी ताकि ये बिल्कुल राउंड शेप में इसकी पैटी बने। ये देखें, बिल्कुल राउंड है। अगर आपको फौरन ही बनाने हैं तो आप बिल्कुल इसी तरह से इनको तवे पे फ्राई करते जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं ये एक दिन पहले बना रही हूँ तो मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी। एक ट्रे में मैंने पहले से प्लास्टिक ट्रैप लगा के रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं ये जो मिंस पैटी है इसको रख दूंगी और इसको दोबारा से प्लास्टिक ट्रैप से कवर कर दूंगी। इसी तरह से मैंने सारी तैयार कर लेनी है। 1 किलो कीमे में आपकी जो पैटी है वो 10 से 12 बन जाएंगी आसानी से। ये काफ़ी बड़े साइज़ में मैं बना रही हूँ और बिल्कुल थिन मैं रख रही हूँ। ये देखें, ये मैंने सारी इसी तरह से तैयार कर ली है। और ये देखें, ये बर्गर पैटी जो मैंने फ्रीज़र में बना के रखी हुई थी उसको मैंने निकाल लिया। क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में जो बर्गर बनते हैं तो वो इसी तरह से फ्रीज पैटी ही आती है उनके पास। इस मिंस पैटी के अलावा आपको चाहिए बिग मैक सॉस, आइस पैक सैलड, इसको मैंने चॉप कर लिया है, चेडर चीज़ स्लाइसेस आपको चाहिए, फाइनली चॉप जो है वो अनियन आपको चाहिए, मैंने एक अनियन को फाइनली चॉप कर लिया है, और पिकल्ड कोकम्बर आपको चाहिए। बिग मैक बनाने के लिए आपको इस तरह से बर्गर्स चाहिए, और मैंने इसका एक जो तिल वाला हिस्सा था ऊपर वाला वो निकाल दिया है, और इस तरह से इसको जो है वो तीन हिस्से इसके बना लिए हैं। ये देखें, इस तरह से आप करेंगे तो ये एक बिग मैक बनेगा। अब आपने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल लेना है बिल्कुल थोड़ा सा, और हाई हीट पे आप इन बर्गर पैटीज को फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रख देना है और 2 से 3 मिनट आपने सिर्फ एक साइड इसकी फ्राई करनी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आपने इन पैटीज़ की दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई करनी है ताकि इसमें से जो खून है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें कितनी बड़ी मैंने बनाई थी और साइज़ में कितनी छोटी रह गई है। और ये देखें, एक बर्गर पैटी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसी तरह से आपने बाकी भी कर लिए नहीं है, और सेम पैन में आप बर्गर्स को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे। ये देखें, मैंने बर्गर्स को भी थोड़ा थोड़ा सेक लिया है दोनों साइड से, और इतनी देर में हमारी जो पैटी है वो भी तैयार हो जाएगी। ये देखें, सबसे पहले आप बर्गर पे बिग मैक सॉस लगाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा आइस पैक सैलड रखेंगे, एक स्लाइस चेडर चीज का, इसके ऊपर आप रखेंगे ये एक फ्राई की हुई पैटी, दोबारा से बर्गर, दोबारा से बिग मैक सॉस, थोड़े से पिकल्ड कोकम्बर आप इसके ऊपर लगा देंगे। मैकडॉनल्ड्स में तो वो 2 से 3 स्लाइसेस ही रखते हैं, लेकिन मैंने थोड़े ज़्यादा रखे हैं। इसके ऊपर आप ये बर्गर पैटी रखेंगे,
थोड़े से चॉप किए हुए प्याज इसके ऊपर डाल देंगे। दोबारा से आप इसके ऊपर थोड़ी सी बिग मैक सॉस डाल देंगे। और ये देखें, हमारा बिग मैक जो है वो बहुत ही यमी किस्म का तैयार हो चुका है। जिन लोगों ने मैकडॉनल्ड्स में बिग मैक ट्राई किया होगा वो बता सकते हैं कि सेम इसी तरह से मैकडॉनल्ड्स में सर्व किया जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।